बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वरहमतुल्लाही वरम मैं आपकी टीचर बुशरा अरशद आपको जमात हजतुम की उर्दू पढ़ा रही हूँ आज हमारा लेक्चर नंबर है पाँच मेरे सबक का ख़ून का बदला हमने कल देखा कि खून का बदला जो है वो एक लोक कहानी है और लोक कहानी की तारीफ़ भी हमने देखी ऐसी कहानी जो सीना बसीना चलती आ रही हो जिसका कोई मुसन्फ़ ना हो मुसनफ़ ना मालूम हो और जो लोक कहानी होती है वो किसी भी इलाके की माशरत और तहजीब की अक्स होती है ठीक है इसमें कोई ना कोई सबक पोशीदा होता है और जिस इलाके की ये कहानी होती है ये उस इलाके की पूरी माशरत की अक्सी कर रही होती है आज हम जहां तक हमने पढ़ा था उससे अगला एक ते जो है वो शुरू एक रात सिपिन गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है अब मुझे कोई मलाल नहीं मलाल नहीं कोई पछतावा नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं था तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की मेरे कातिल की तलाश की मेरे कत्ल करने वाले को ढूंढा लेकिन अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे लेकिन अब ये ख्याल तू अपने दिल से निकाल दे और बूढ़ी माँ की खिदमत कर इस ख्वाब से सिपन गुल जाग उठी और उसके कानों में बड़ी देर तक अपने बाप की आवाज गूंजती रही इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई दस्तक हुई दरवाजा खटखटाया थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया खटखटाया दस्तक दी अब माँ भी जाग पड़ी थी माँ बेटी दोनों ने उठकर दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खुलते ही एक जख्मी धड़ाम से अंदर आ गिरा एक जख्मी नौजवान धड़ाम से धड़ाम से जोर की आवाज़ से अंदर आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया और कुछ देर तो उसे देखती रही वो दोनों कुछ देर तो उसे देखती रहीं फिर माँ ने फिर माँ ने उसके आ, फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे दोनों ने उसे पलंग पर लेटाया पानी गर्म करके उसके जख्म धोए अब जैसे ही नौजवान जो है वो धड़ाम से अंदर आ गिरा तो दोनों माँ बेटियां पहले देखती नहीं, फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे ताकि वो होश में आए दोनों ने उसे पलंग पर लेटाया दोनों ने उसे बिस्तर पर लेटाया ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए कुछ देर के बाद उसे होश आ गया थोड़ी देर गुजरने के बाद वो होश में आ गया उसकी माँ ने नौजवान को गरम-गरम दूध पिलाया और उसे वो दिन याद आ गया जब वो मुराद खान को इसी तरह जख्मी हालत में लाया गया था कि जब वो उसे उसके जख्म धो रही थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी फिर माँ ने उसे गरम-गरम दूध ला के दिया तो साथ ही उसके जहन में वो ख्याल आ गया कि जब उसके शोहर मुराद खान को भी इसी तरह से जख्मी हालत में लाया गया था उसने नौजवान को बताया कि आज से दो साल पहले मेरे शोहर को भी किसी बदबخت ने बदबخت ने बदनसीब ने गोली मार दी थी लेकिन उसका जख्म मोहलिक था मोहलिक था जानलेवा था इसलिए वो मर गया तुम नौजवान हो और जख्म भी गहरा नहीं है बस जरा सी कमजोरी है नकाहत है वो रफा हो जाएगी रफा हो जाएगी दूर हो जाएगी नौजवान ने पूछा तुम्हारे शोहर का नाम क्या था उसने कहा मुराद खान ये सुनकर नौजवान सख्ते में आ गया सख्ते में आ गया बिल्कुल खामोश हो गया यह सख्त हैरान हो गया उसे यूं लगा उसे यूं महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर कारी जरब लगाई है कारी ज़रब उसने आंखें बंद कर ली मुराद खान की बीवी ने पूछा खैर तो है उसने कहा कोई बात नहीं दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ यानी मैं अपना रुख जो है वो दूसरी तरफ करना चाहता हूँ मुझे तकलीफ है मुझे दर्द है माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की बड़ी खिदमत की बहुत खदमत की जब भी सिपिन गुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों में आंसू जारी हो जाते आंसू जारी हो जाते वो रोने लगता उसे कुछ नदामत सी महसूस होती नदामत शर्मिंदगी सी महसूस होती वो बार बार कहता मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता एहसान को नेकी को कभी नहीं भुला सकता उसकी माँ कहती हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया हमने तो अपना फ़र्ज पूरा किया है तुमने हमारे घर में पनाह ली अगर तुम सेहतियाब होकर जाओगे तो ये हमारे लिए बड़े फ़खर की बात है बड़े नाज की बात है अब देखिए यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है कि ये लोग जो है इनकी रवायत में शामिल है कि अगर कोई इनके घर में पनाह लेता है तो उसकी जान की हिफाजत करना उसका ख्याल रखना ये अपना फर्ज समझते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहिफाजत और सेहत याब होकर जाओगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़खर की बात है सिपिन गुल ने कहा मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक जख्मी को पना दी और उसकी खिदमत की ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा चिल्ला उठा जोर से बोलने लगा सिपिन गुल अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कतल कर दो कतल कर दो मुझे मार दो और अपने अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो मैं ही वो बदब्त हूँ बदबख्त हूँ बदनसीब हूँ जिसने किसी के इशारे पर इशारे पर किसी के कहने पर मुराद खान को कत्ल किया था मुराद खान को मारा था मुझे खबर नहीं थी मुझे ये मालूम नहीं था कि तकदीर के किस्मत मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी वो कहते हैं मुझे ये अंदाज़ा नहीं था मुझे ये पता नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसको मैंने कत्ल किया था उसी के घर में पन्ना लेने पर मजबूर हो जाऊंगा मुझे कत्ल कर दो मुझे मार दो मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ काबिल नहीं हूँ अहल नहीं हूँ लाइक नहीं हूँ मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ सिपिन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी उसके सीने में बदला लेने का जज्बा जो है वो उभरा और वो एक बिफरे हुए शेर की तरह बिफरे हुए शेर की तरह उससे में आए हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई आज तो वो दिन आया था जिसकी आरज़ू में जिसकी तमन्ना में वो जिंदा थी यानी उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो यही था कि अपने बाप के कातिल को तलाश करे और उसे मारे ताकि उसके बाप की रूह को भी सुकून मिले और वो खुद भी पुरसकून हो जाए आज के दिन तो उसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था वादा पूरा करना था अहद निभाना था सिपिन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की और उसकी माँ ने डांट कर कहा डांट कर कहा उसे से कहा लड़की तेरे हवास तो ठिकाने हैं यानी तू होशो हवास में तो है तेरा दिमाग काम तो कर रहा है ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर में बना ली है पर ना लेना हिफाजत में आ जाना अगर हमारे घर में उसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि हम किसी को किसी का सामना करने के लायक नहीं रहेंगे बेटी तूने अच्छी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है हमारा रिवाज है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पर ना ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज बन जाता है हमारी जिम्मेदारी बन जाती है यानी ये पठान जो हैं वो क्या कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन भी हमारे घर आ जाता है तो भी उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है ये तो हम कुछ ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल करें यानी हमारी तो ये रीत रिवायत ही नहीं है करना तो दरकिनार हम तो सोच भी नहीं सकते कि घर आए हुए मेहमान को कत्ल कर दिया जाए सिपिन गुल खुदा के लिए बंदूक फेंक दो माँ बेटी को कहती है कि अल्लाह का वास्ता है तुम्हें तुम बंदूक जो है वो माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कहीं कि सिपिन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा काश इस चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है मेरे बाप को कत्ल करने वाला है तो मेरे हाथ से बच कर ना तू मेरे हाथ से बच कर ना जाता वो कहती है कि अगर मुझे इस घर से बाहर पता चल जाता कि तू तू वो है जिसने मेरे बाप को कत्ल किया है तो तू यकीन करके मेरे हाथों से कभी बच ना पाता यानी मैं तुझे कत्ल कर देती मार देती तू हमारे घर मेहमान बन कर आया है इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ मैं इसलिए तो मैं अपने बाप का कत्ल भी माफ़ करती हूँ क्योंकि तू मेरे घर मेहमान बन कर आया है और इसके साथ ही हमारी ये कहानी ख़त्म हुई बहुत प्यारी कहानी थी बहुत अच्छी मुझे तो बज़ाते खुद ये कहानी बहुत अच्छी लगती है इसमें हमारे करने के भी कुछ काम है ये कहानी हमने पढ़ी हमने देखा कि कत्ल तो बहुत बड़ी बात है और कत्ल का माफ़ कर देना कितनी कितनी बड़ी नेकी उन्होंने कमाई हम आ, हम अपने लिए ये सबक लें कि छोटी छोटी गलतियां भी अगर हम माफ़ कर देते हैं दूसरे की तो हमारा माशरा जो है उसमें कितनी बड़ी तब्दीली आएगी हम हमारे अंदर दर गुजर करने और माफ़ करने का जज्बा बहुत कम हो गया तो अगर कोई कत्ल माफ़ कर देता है तो छोटी छोटी गलतियाँ तो बहुत छोटी सी बात है हमें साथ रहते हुए अपने बहन भाइयों की दोस्तों की अपने रिश्तेदारों की छोटी छोटी और बड़ी बातें भी अगर हम माफ़ कर देते हैं तो हम बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं तो आज हमने दो बातें सीखी इस कहानी से कि अगर दुश्मन भी घर आ जाता है तो हमने उसकी उसका ख्याल रखना है उसकी खिदमत करनी है और अल्लाह की रहमत समझ के उसकी खातिरदारी करनी है और दूसरी बात यह है कि दर गुज़र करने और माफ़ करने में ही भलाई है अल्लाह ताला भी दरगुजर करने और माफ़ करने वालों को पसंद करता है अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह तनासर अल्लाह हाफिज़